शास्त्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, एक भाई पूछ रहे हैं कि सोमदास जी ने भी कौन से समय को वर्णन किया है, वो पद जिस प्रकार से है, अर्थ करो पंडित और ज्ञानी, रवि के अंत, दति सूत्र के आगम, खट द्वय चार, अधिक छवि छानी, नहीं ब्रज बनता, नहीं सुर बनता, ब्रह्मा सृष्टि में नहीं उपजा, या देख मोर ये ही अचंभव, सूरदास प्रभु वेद बखर। तो ये कौन से स्वरूप को वर्णन किया है प्रभु? भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है और वो गुण मायने हैं। इसमें कई उप शब्द हैं जिनका अर्थ साधारण रूप से लोग समझते हैं, जैसे दधि सूत्र है, और दधि सूत्र का अर्थ कोई मक्खन नहीं है न घी है, दधि सूत्र का अर्थ है उदत सूत्र, यहाँ उदालोक हो गया है माने चंद्रमा। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये चंद्रमा के, सूर्य के और वेदों के, शास्त्रों के सबके सार सार हैं, परमानंद स्वरूप हैं, परम मंगलमय हैं। तो यदि पद का अर्थ आपको देखना हो तो इसकी टीका आपको पढ़ना चाहिए, हरि सभा में उसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा लेनी हो तो बात दूसरी है, मैं कुछ पदों का अर्थ हम एक का बता देंगे, दो का बता देंगे, पर ये जिम्मेवारी लेना कि जितने कुछ पद हैं उन सबका अर्थ मैं बता दूं, यही ये बात ठीक नहीं रहेगी। महाभारत में तो 8000 से भी अधिक श्लोक कूट के हैं और सूरदास के भी बहुत से पद कूट के हैं, तो वो लोग जो परंपरा से उसका विचार करते हैं उनका अर्थ जानना चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है। ओम शांति शांति। तो एक बहन पूछती है, संसार में सुखी कौन है? देखो, सुखी या तो मैं और या तो तुम बेकार के जो संकल्प विकल्प चिंतन है बोझ है अपने सिर्फ दिमाग पर उनको उतार कर तो तुम, और दूसरा कोई सुखी है कि दुखी है, ये जब तुम दुखी की कल्पना तुम करोगे कि दूसरा कोई सुखी है तो तुम दुखी हो जाओगे, और सबको सुखी है ऐसी कल्पना करो तो तुम भी सुखी हो जाओगे। ये सुखी दुखी होना एक कल्पना का है, जो दुनिया को लेकर सुखी होना चाहता है वो कभी सुखी नहीं रहेगा, और जो दुनिया का ख्याल छोड़कर भगवान के ख्याल में मगन है, आत्मचिंतन में मगन है, वो हमेशा सुखी है। वैसे महाभारत में ये प्रश्न युधिष्ठिर से किया गया था कि संसार में सुखी कौन है, कष्ट मोदते, बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न है कि दुनिया में आनंद में मग्न कौन है, तो उसका उत्तर ये दिया है, खाने पीने को चाहे घर में हो कि न हो, एक तो अपने ऊपर कर्ज न हो और अपना घर छोड़कर बाहर रहना न पड़े, और पांचवें छठे दिन भी अगर साग भाजी कुछ खाने को मिल जाए तो वो सुखी है। पंचमे यानी षष्ठे वा साकम पचति स्वेगृह अनरणी चार प्रवासी च सब आचर हो जाते, ऋण और पराये घर का निवास
ये दुख का हेतु होता है और लगाने के लिए चाहे लिपस्टिक हो कि नहीं और सेंट हो कि नहीं और मोटर चढ़ने के लिए हो कि नहीं, चाहे जैसे कैसे खा लिया जवाब हो गया और ये सब तो शौक की बात है कि दुनिया की सामग्री आप इकट्ठी करें और उसको सुखी बनाए। तो जो इकट्ठा होकर के सुखी होना चाहते हैं वे पूरे सुखी कभी नहीं हो सकते। ये बात नोट कर लो कि जो दुनिया की चीजों को अपने पास इकट्ठी करके सुखी होने का होना चाहते हैं न वो कभी कर पाएंगे, न उनको संतोष होगा न सुखी होगा। कई लोग चाहते हैं कि हम खूब विषय भोग करें और सुखी हो जाए, तो विषय भोग भी कभी पूरा नहीं मिलेगा और कभी सुखी नहीं मिलेगा। एक सज्जन यहाँ से अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में रह रहे थे, वहाँ जो हमारे देश के वाणिज्य दूत थे उन्होंने उनको फोन किया कि सेठ जी आप शाम को अकेले दुकेले बाहर मत निकलना। उन्होंने पूछा क्यों, अमेरिका में ऐसा क्या डर है? उन्होंने कहा कि अब यहाँ के लोग इकट्ठा करके और भोग करके संतुष्ट नहीं, ये तो इक्के दुक्के आदमी को सड़क पर चलते देखते हैं और पिस्तौल से गोली मार देते हैं, जब वो छटपटाने लगता है धरती पर गिर के तब उसको देख करके मजा लगता है। तो इकट्ठा करके कोई सुखी नहीं हुआ, इंद्र भी सुखी नहीं हुआ, भोग करके इंद्र भी सुखी नहीं हुआ, वो भी भोग की लालच में मर्त्यलोक में आया और गौतम ऋषि का उसको साथ मिला। मनोराज्य का कहीं कोई अंत नहीं है, ये मिलेगा हम सुखी होंगे, ये मिलेगा हम सुखी होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, सूर्योदय होगा, प्रातःकाल होगा, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वा उदेश्यति अशिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्वरेपे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। एक फौड़ा अपने प्यारे कमल के कोश में बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया, कमर बंद हो गया, तो कैदी हो गया। और अपने प्यारे की कैद को बहुत बढ़िया लगती है, अब वो सोचने लगा कि रात बीतेगी, बीतेगी रात, उगे को दिवाकर सूर्योदय होगा, सुप्रभात होगा, सूर्योदय होगा, ये कमल खिलेगा, मुस्कराएगा ये कमल, अशिष्यति पंकजश्री। रात भर ऐसे ही सोचता रहा, परंतु प्रातः काल होते न होते एक हाथी आया और उसने अपने सूंड से कमल को उखाड़ा और मुंह में डाल लिया, खा गया। तो घोड़े का मनसूबा जो है वो रंगो मन को मन में मनसूबो, उसका मनसूबा मन में रह गया। तो ये जो हम सोचते हैं कि संग्रह से सुखी होंगे, हम संग्रह करने वालों को देश में विदेश में बहुतों को जानते हैं, भोगी लोग जो हैं उनको नए नए भोग का अभाव उनको दुख देता है और बहुत भोग शरीर में रोग दे देता है, मनोराज्य कभी पूरा नहीं होता। और अपने जीवन में कोई आदत डाल लोगे कि ये आदत पूरी होने पर
ये खाएंगे तब सुखी होंगे, ये मिलेंगे तो सुखी होंगे, इनको देखेंगे तो सुखी होंगे। तुम स्वयं अपने को पराधीनता में डाल रहे हो। बाबा जीओं को तो विशेष सावधान रहना चाहिए हो, माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ा, प्यारी पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, और बीच ही माया कली रही, लपटे लपटाए के हहारे पलटू गिरे, नरक में जाए भांति पाए। बहुत सावधानी से ये जीवन व्यतीत करने का है। सुखी हो तो आप स्वयं हो, दूसरे को ढूंढने जाएंगे तो ढूंढने में ही आप दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। मन में तीन बात होती है, एक तो आप सुख और दुख के निमित्त बाहर रख देते हैं, ऐसा धन मिलेगा, ऐसी स्त्री मिलेगी, ऐसा बेटा होगा, ऐसी मोटर होगी, तब हम सुखी होंगे। वो तो आपके हाथ में नहीं है कि वो मिले मिले कि न मिले। एक सुखाकार वृत्ति होती है, आप भगवान के नाम से, पूजा से, पाठ से अपनी वृत्ति को सुखाकार बना दीजिए। दूर की चीज को सुख का कारण मत बनाइए, और जो देर से मिलने वाली हो उसको भी सुख का कारण मत बनाइए, जो पराए के हाथ में हो उसको भी सुख का कारण मत बनाइए, और बस सुख स्वरूप परमात्मा है, न दूर है, न उनके मिलने में देर है, न दूसरे हैं, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आप ऐसी कल्पना भी कीजिए तो ऐसी, गिरा गर्दन ढुलक कर पीत पट पर खुली रह जाए ये आंखें मुकुट कर, गहता हो अंजाम मेरा, मेरा काम हो और नाम तेरा। तो नारायण इस प्रकार अपने मन ही मन सुख होने की आदत, सुखी होने की आदत डालिए, और सुखी पने का जो अभिमान है वो तो जब तक अज्ञान है तब तक रहता है, अज्ञान मिट जाने पर सुखीपन का अभिमान भी नहीं रहता है। तो सुखी कौन है? तो सुखी होंगे तो आप ही होंगे, दूसरे के सुख की कल्पना मत कीजिए, और नहीं तो कुत्ता अपने मालिक को सुखी समझता है और पूछ हिलाते हिलाते बेचारे की जिंदगी बीत जाती है। आप स्वयं सुखी हैं और अपने सुख को ही पहचानिए, माँ में वो जानिए, अपने आत्मा को जानिए। महाराज जी, एक भाई पूछ रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि को क्यों रचा? और फिर तो वो भगवान नहीं रहेगा। यदि आप जान जाए कि भगवान ने कौन सा काम क्यों किया, कौन सा काम क्यों किया, तो पहले तो भगवान से कहिए कि आपसे पूछ के और बता के किया करें। अरे भाई, ये चिड़िया यहाँ बैठी है, ये उड़ के किधर जाएगी, ये तो दूसरा कोई समझ नहीं सकता। अगले मिनट में हमारा क्या होगा ये तो समझ नहीं सकता। यहाँ जो बैठे लोग हैं इनमें से यहाँ से उठने के बाद कौन कहाँ जाएगा और अपने मन में क्या सोच रहा है, हैं? और अच्छा, कौन लोग यहाँ अपने मन की लड़की या लड़का देखने के लिए आए हैं? कौन लोग यहाँ व्यापारियों से पहचान करने के लिए आए हैं? कौन लोग डॉक्टरों से, वैद्यों से पहचान करने के लिए आए हैं? लोगों के मन का तो पता चलता ही नहीं कि वो कौन क्यों क्या कर रहा है, और आप ईश्वर के अंतर्यामी बनना चाहते हैं, हैं? तो पहले तो आपने माना कि ये सृष्टि है, फिर माना किसी ने बनाई, फिर माना ईश्वर ने बनाई,
फिर कहते हैं किसी वजह से कोई कमी थी ईश्वर में, उस कमी को पूरा करने के लिए बनाई है। तो ऐसे ही आप सोच लीजिए ना कि आप सब ये बखेड़ा क्यों अपने मन में सोचते हैं। सीधे सीधे ईश्वर का ध्यान कीजिए ना, ईश्वर क्यों करता है इसकी जिम्मेवारी ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और आप उसको देख देख करके मन ही मन मजा लीजिए। कहते हैं कि एक भक्त नदी के किनारे गया, उसको वो नाव चाहिए थी पार जाने के लिए। उसने पुकारा, हे प्रभु, यहाँ न नाव है न मल्ला है, मैं नदी के पार कैसे जाऊं। व्याकुल हो गया तो नन्ही सी नाव लेके और एक मल्लाह का बेटा जिसके शरीर में लंगोटी काला आके खड़ा हो गया। अब महाराज भगत जी को बड़ी खुशी हुई कि देखो भगवान ने नाव भेज दी, कोई आ गया। अब उससे नाव पर चढ़ा न जाए क्योंकि नाव थोड़ी ऊंची थी, भगत जी बूढ़े थे और पानी कीचड़ भी सामने था। तो वो लड़का उतर के नाव पर से आया, बल्लाव का बेटा बड़ा मजबूत, दोनों हाथ से पकड़ के भगत जी को ले जाके नाव पर बैठा दिया। अब भगत ने देखा कि अरे ये तो बल्लाव बहुत बढ़िया है। तो बोले, आओ भाई हम डांड खेने में तुम्हारी मदद करें, एक डांड तुम चलाओ एक मैं चलाऊं। मल्लाह के बेटे ने कहा कि नहीं भगत जी, तुम्हारे लिए तो मैं नाव लेके आया ही हूँ, मैं नाव खेल लेता हूँ और तुम बैठ जाओ प्रेम से और प्रेम की नजर से मेरी ओर देखो, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं प्रेम का प्यासा हूँ। सो नारायण, आप खूब प्रेम से भगवान को निहारिए और भगवान क्यों क्या कब क्या करना चाहते हैं अपने दिल दिमाग को आगे मत फेंकिए, दूर मत फेंकिए, पीछे मत फेंकिए। देखिए भगवान तो आपके सामने मुस्करा रहे हैं, और जब आप रोते हैं तो दोनों अंगूठा दिखाते हैं, ले 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 ले, इतने में घबरा गए, अभी तो प्रलय भी होने वाला है। तो एक प्रश्न पूछ रही है कि श्री रघुनाथ जी एक आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मानस के अंदर तुलसीदास जी ने सवरी को गजगामनी तथा भामनी के रूप में संबोधित करते हुए बताया। इस संदर्भ में सवरी के चरित्र का महत्व समझाने की कृपा करें, और उसको गजगामनी कहते हुए कितना शोभायमान था इसके बारे में प्रकाश। देखो सबरी के मन में अपनी हीनता का भाव था और वो बहुत ग्लानी करती थी, क्योंकि लोग वहां उसको उसका छुआ पानी पीना और जिस तालाब में वो स्नान करे उसमें स्नान करना तक पसंद नहीं करते। वो समाज के द्वारा उपेक्षित थी एक प्रकार से, और बोला कह दिया उसने, अधम ते अधम अधम पुनि नारी, तिनमह मैं मतिमंद गमारी। राम जी ने कहा कि मैं तो इसके घर में स्वयं चल के आया और ये अपने को अधम से अधम मतिमंद गवारी बोलती है, मेरे आने का जो मजा है उसने ये नहीं लिया। तो बोले कि सुनो सबरी, सुनो मेरी बात, सुनो भामिनी कह के पुकारा हो, सुनो भामिनी बाता। उसके मन में जो ग्लानी है उसको तोड़ रहे, सबसे सुंदर वो है, सबसे चाल अच्छी वो है, जिस चाल से हम भगवान की ओर चलते हैं वो चाल ही गजगामिनी चाल है, और जिसको पसंद करके भगवान उसके घर में आए हैं वही भामिनी है।
अब वो प्रशंसा करें सबरी की, तो सबरी तो सुनती नहीं है, तो कोई भी भक्त अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने एक अकल लगाई, युक्ति लगाई, बोले सबरी सुनो, मैं तुमको उपदेश करता हूँ। कहा महाराज, और गजगामिनी और सुंदरी तो श्री कृष्ण भगवान कुब्जा को भी कहते हैं, जात भी अच्छी नहीं थी सैरंद्री, और शरीर भी अच्छा नहीं था सुबर, और काम अच्छा नहीं था, पर पुरुष के शरीर में उबटन और अंगराग लगाना, और कृष्ण को जानती भी नहीं थी, देखती भी नहीं थी, इतना नाच गाना हो रहा था सड़क पर, एक आंख उठा के उसने देखा भी नहीं, सुंदर की ओर देखने की तो उसकी रुचि नहीं थी, सुंदर लोग उसको कुरूप समझते थे। कृष्ण स्वयं जाके कहा, रही हो रही सुंदरी, एक बार दो बार, तब उसकी आंख खुली, उसने देखा कृष्ण की ओर, उसने भी कहा सुंदर। और महाराज जिसके मन में वो उल्टन और अंगराग है, वो स्नो पाउडर कंस के शरीर में लगाने की थी, उसको श्री कृष्ण ने स्वयं मांग लिया, हमको दे दे, और उसको ऐसा सुंदरी बनाया महाराज की मथुरा की स्त्रियों ने कहा सब ब्यूटी हाउस बंद करवा दो यहाँ का, हाँ अब तो हम सुंदर बनेंगी तो कृष्ण के पास जाके बनेंगे। अच्छा भाई, तो प्रथम भगत संतन कर संगा ले उपदेश, कहा ठीक है महाराज, तो दूजी रति मम कथा प्रसंगा, ठीक है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान, गुरु सेवा तीसरी, चौथी भक्ति गुणगान। अब महाराज नौ तरह की भक्ति बताई और सबरी हाथ जोड़ के सुनती रही। लोग कहते हैं भगवान उपदेश करते हैं, सबरी सुन रही है, और भगवान के मन में क्या था, तो बोले कि नौ माँ जाका एकव होई, अब नारी पुरुष सचराचर कोई अधम से अधम, अधम पुनि नारी, जिस नारी के और अधम से अधम के, तू अपने को नारी कहती है, अधमाधम कहती है, जिसके हृदय में नौ में से एक भी भक्ति हो वो भामिन परम प्रिय मोरे, कहे भामिनी वो मेरे लिए परम प्रिय है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तुम में तो नौ है तो तुम तो परम परम प्रिय हो हमारे। तो वहां जो सबरी की महिमा का गान है, उसकी हीनता का भाव मिटाकर उसको अपना परम प्रेमास्पद बताने के लिए है, वो उपदेश नहीं है, वो सबरी के हृदय में जो हीनता की ग्रंथि है उस ग्रंथि का भंग करने के लिए वहाँ सबरी का प्रसंग है। महाराज जी, एक भाई पूछते हैं कि सत्संग, संत के साथ सत्संग भी होता है और संत के साथ दुत्संग भी होता है, ऐसी स्थिति में सत्संग के लक्षण एवं विशेषताओं पर कृपया प्रकाश डालिए। ऐसा है जी कि शंकर जी के आसपास भूत प्रेत भी रहते हैं और उनके शरीर में तो सांप भी रहते हैं। अब जो शंकर जी से प्रेम करना चाहे, भक्ति करना चाहे, अगर वो शंकर जी की ओर न देखे, भूत प्रेतों की ओर देखे, और शंकर जी की कृपा और अनुग्रह को न देखे और सांपों को देख करके डर जाए, तो वो भक्ति क्या करेगा। तो नारायण, यदि संत है जिसका तुम संग करना चाहते हो, वो संत है ऐसा तुम्हारा विश्वास है, तो उसके आसपास की ओर देखो मत। अब ये तो है वेदांत सत्संग मंडल, प्रेम कुटीर, प्रेमपुरी, अध्यात्म विद्या भवन, यहाँ ऐसी बात कहना ठीक तो नहीं है, मैं जानता हूँ समझता हूँ, पर कह देता हूँ,
सत्संगियों में आपस में भी आसक्ति और प्रेम नहीं होना चाहिए। उनकी आसक्ति प्रीति भगवान से हो, संत से हो। यदि वो आपस के प्रेम में भी फंस जाएंगे तो उनकी भक्ति जो है वो कम हो जाएगी। आपस में व्यवहार अच्छा करो, मिलो जुलो हंसो खेलो, लेकिन आसक्ति जो है वो या तो भगवान से होनी चाहिए या संत से होनी चाहिए। मैंने बाबा सिवड़िया बाबा जी महाराज से एक बार पूछा कि बाबा ये जो आसपास के लोग हैं वो तो बड़े विलक्षण हैं। विलक्षण शब्द का अर्थ अच्छा बुरा नहीं होता, ये तो आपको मालूम ही है, न अच्छा न बुरा। तो बाबा बोले कि बेटा ऐसे लोगों के बीच में रहने से वैराग्य बना रहता है, फिर इनमें से किसी के प्रति प्रीति नहीं होगी। हम जानते हैं ये चोरी करके आया है, ये डाका डाल के आया है और ये मार के आया है, ये अनाचारी है, ये व्यभिचारी है, और इसकी आसक्ति कहाँ है, इसका क्रोध कहाँ है, इसका लोभ कहाँ है, इसका मोह कहाँ है, यहाँ कौन डॉक्टर आया है कि हमको पेशेंट ज्यादा मिलेंगे यहाँ आने से, वो भी हमको मालूम। तो भाई मेरे, यदि सत्संग करना है तो अपनी नजर को पक्की करो, या तो भगवान को देखो या तो संत को देखो। और यदि संत के संग में ही दुस्संग है तब तो वो संत है नहीं, आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए। जिसके संग को आप दुस्संग समझते हैं वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। और वही बात आसपास देखने की, तो आप सत्संग के लिए आए हैं कि आसपास देखने के लिए आए हैं? देखो एक प्रभुपाद थे वृंदावन, ये श्री नित्यानंद महाप्रभु के वंशज, उनका नाम था प्राण गोपाल गोस्वामी, बहुत गर्व। उनके यहाँ रोज श्रीमद् भागवत की कथा होती थी, वही और बहुत बढ़िया कथा करते थे। तो श्री हरि बाबा जी महाराज रोज अपनी कुटिया में से उसको सुनने के लिए समय से पहुंच जाते थे और समय से उठे चले जाते थे। एक दिन उन्होंने प्रशंसा की कि गोस्वामी जी कथा बहुत बढ़िया करते हैं। तो उनके साथ जो सेवक जाता था उसने कहा कि हाँ महाराज कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जिस हाल में बैठ के वो कथा करते हैं उसमें हर खूंटी पर एक एक दुशाला टंगा हुआ है, इतने दुशाले उन्होंने क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? बाबा ने कहा कि तू वहाँ कथा सुनने के लिए मेरे साथ जाता है, मेरी सेवा के लिए जाता है कि दुशाले देखने के लिए जाता है? जा आज से अब तेरा जाना बंद, अब तुमको ले करके मैं वहाँ कथा सुनने के लिए कभी जाऊंगा ही नहीं। तो आप बाबा संत को देखिए, संत जो उपदेश करता है उसको सुनिए, भगवान से प्रेम कीजिए। आप उसके आसपास जो लोग अपना अपना फायदा उठाने के लिए या अपनी वासना पूरी करने के लिए आए हैं उनकी ओर मत देखिए, ये आपकी आंख का दोष है, आपके मन का दोष है। और देखो भाई, दूसरों को तो आप समझते हो कि ये यहाँ आए हैं तो अच्छे नहीं है, दुष्ट है, जरा अपने दिल को भी तो देख लो। तुम देखोगे कि दूसरों का आना जाना तुमको पसंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा स्वयं आना जाना तुमको पसंद होगा। तुम दूसरों के रिश्तेदार नातेदार को पसंद नहीं करोगे, अपने रिश्तेदार नातेदार को पसंद करोगे। तो असल में सत्संग तो वो होता है जो संसार की आसक्ति को हीली करे, संसार के बंधन को शिथिल करे। तो बोले महाराज आप तो अकेले कभी मिलते ही नहीं, आपसे बात कैसे करें? बोले भाई हाँ था तो मैं अकेला ही, लेकिन तुमने आके हमारे अकेलेपन में बिघ्न डाल दिया है।
तुम्हारे आने से भी तो हमारे एकांत में बाधा ही पड़ी, और क्या हुआ। तो सत्संगी को बहुत सावधान होना चाहिए अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी, उसकी नजर सत्संग की बात छोड़ करके दुस्संग की ओर जानी ही नहीं चाहिए। क्या नाम, संत हंस गुण गहाई परिहरि बारी विकार, अथवा सुनहुतात माया कृत गुण अरुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक। ओ महाराज जी, एक बहन पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि प्रभु को देखिए, भगवान को देखिए और गुरु को ही देखिए और सत्संग एक दूसरे के प्रति मत देखिए, किंतु ऐसा होता नहीं है, आसक्ति तो बनी ही रहती है, इसको कैसे रोका जाए। ये जब भगवान में इसी बढ़े उसमें कई बात, एक तो पवित्र स्थान में रहने का, दूसरे संत की सेवा होनी चाहिए, तीसरे उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और श्रद्धा बढ़नी चाहिए। ये भूमिका है मधुसूदन सरस्वती ने, उसके बाद रुचि उत्पन्न होती है। रुचि जब रुचि उत्पन्न होती है तब भगवत कथा में रस आने लगता है, तब मीठे को छोड़कर कड़वे को कौन पसंद करेगा। और सत्संग माने मुख्य तो है सत, जो वस्तु है परमात्मा परमार्थ ब्रह्म, उसकी जो आसक्ति है वो मुख्य सत्संग है, और उसको अनुभव करने वाला जो महात्मा है उसका सत्संग गौण सत्संग है। और सत्कर्म का संग, सद्भाव का संग, सद्विचार का संग, ये सब सत्संग ही है। गीता में जहाँ सत शब्द का कोश दिया हुआ है, डिक्शनरी है वो, सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थियम्। ये सब सत है। धीरे धीरे जब इनको इनका संग होगा, देखो जिसको खूब स्वच्छ कपड़ा पहनने की आदत पड़ जाती है, एक माता एक दिन बैठी थी मेरे पास, महाराज काफी की एक बूंद छलक के उनकी साड़ी पर पड़ गई, प्रतिष्ठित कराने की थी और तिनोपाल से रंगी हुई साड़ी पहनती है। उन्होंने कहा हमारे तो 10 रुपए खराब, एक बूंद हो काफी पड़ गई तो 10 रुपए खराब हुए, अब इसके लिए जाना पड़ेगा, उसमें कपड़े को भेजना पड़ेगा जहाँ धुलते हैं। तो जो अपने मन को साफ रखना चाहता है उसको अपने मन की थोड़ी थोड़ी बुराई भी बहुत खटकती है और उसको दूर करना चाहता है, और जिसको गंदगी में बैठने की आदत पड़ जाती है वो तो चाहे जहाँ बैठ जाए महाराज, यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम् न रक्षते। नारायण, जब आदमी मैला कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहाँ बैठ जाए, इसी प्रकार जब आदमी सदाचार से एक बार गिर जाता है तो वो कभी कहीं कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने आचार की पवित्रता यदि रखोगे तो दुसंग छूट जाएगा, और यदि तुम स्वयं उसमें मजा लेने लगोगे, रस लेने लगोगे, जब संत के पास बैठे तो भगवत कथा सुनी, और जब कुसंग में बैठे तो तुमने कैसे चोरी की थी और कैसे अनाचार किया था उसकी कथा सुनने लग गए, अब महाराज सब पर पानी फिर गया। इसलिए ऐसे लोगों के संग से और बातचीत से अपने को बचाने का अभ्यास करना चाहिए, तब तो संग से मनुष्य बन सकता है। ओ तो एक
सुंदरता की होड़ में हम स्त्रियों को बनावटी सौंदर्य का एक व्यसन लग गया है, इससे कैसे बचा जाए? देखो, जिसके शरीर में स्वाभाविक सौंदर्य होता है उसको बनावट की जरूरत नहीं पड़ती। शकुंतला का वर्णन है, यह अधिक मनोज्ञा गलकले नापितंत्री किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। कितनी सुंदर है शकुंतला, केवल बलकल वस्त्र पेड़ के छाल का कपड़ा उसके शरीर को ढकने के लिए है और कितनी सुंदर है। असल में जो आकृति, जो सकल सूरत मधुर होती है, मीठी होती है, उसके शरीर पर क्या श्रृंगार नहीं बन जाता, वो जो कुछ धारण करे वही श्रृंगार बन जाता है। तो ये जो हम मान लो होठ रखते हैं, सीधी बात है, क्यों रंगते हैं? आपके होठ में कोई खराबी है जरूर, उसमें कहीं सफेद है, कहीं मोटा है, कहीं उगड़ा हुआ है, तो उसको ढकने के लिए यदि आपका सुंदर स्वाभाविक होठ स्वयं हो, हम ऐसी स्त्री को जानते हैं जिसके नारायण शरीर को भगवान ने ही रंग दिया है, जिसके होठ को भगवान ने ही रंग दिया है, उसको लिपस्टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो असल में आप अपने में कमी समझते हैं, बिना स्नो लगाए, बिना पाउडर लगाए, बिना ऐसा श्रृंगार किए, बिना ऐसी साड़ी पहने, सुंदर आप नहीं है, आपकी साड़ी है। सुंदर आप नहीं है, आपका स्नो पाउडर है। सुंदर आप नहीं है, आपका तेल फुलेल है। आप में सुंदरता कहाँ है? जब सुंदरता आहार्य हो जाती है, आहार्य माने बाहर से उधार जब ली जाती है सुंदरता, तो आपका हीरे का कंगन आपका नहीं है, उधार लिया हुआ है लोगों के समाज में दिखाने के लिए। तो स्त्री की भी बात है, पुरुष की भी बात है, हम तो साधुओं को भी जानते हैं जो अपने शरीर में स्नो लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। हमने ऐसे लड़कों को भी देखा है जो लिपस्टिक लगाते हैं अपने होठ में। तो ये जिसके अंदर अपनी हीनता का भाव होता है और दूसरे को बेवकूफ बनाने की इच्छा होती है, आप लोग बुरा मत मानना है। आप क्यों आया होकर निकलते हैं यहाँ कि हमारे शरीर को सब लोग देखें और देखें हमारा शरीर कितना सुंदर है, हमारा आभूषण कितना सुंदर है? बाबा, आप चाहे जैसी हो, दूसरे के मन को तो मत बिगाड़िए। कहे पुरुष देवता, आप बड़े सुंदर हैं सो ठीक है, महाराज साधु लोग ये जो भस्म लगाते हैं ना, उसको बनाने में उनके कितने दिन लगते हैं आपको मालूम नहीं होगा। वो चुन चुन के बेलपत्र लाखों चढ़े होते हैं शंकर जी से, उसमें से निकालते हैं, उनको धीरे धीरे छाया में सुखाते हैं, उनको मट्ठे में रखते हैं, दूध में रखते हैं, फिर सुखाते हैं छाया में, फिर दूध में रखते हैं, फिर छाया में सुखाते हैं, और अंत में उसका भस्म बनाते हैं। वो तो महाराज पाउडर को मात देने वाला होता है और वो शरीर में लगाते हैं। देखो, ये शरीर की सुंदरता जो स्वाभाविक है आप में, उसको जाहिर होने दीजिए। ये आकर्षण का जो काम है वो पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। एक बार पक्षियों की सभा हुई थी, सब पक्षी इकट्ठे हुए जात जात के, उसमें महाराज सभापति चुना गया और बड़े बड़ा विचार हुआ इस भगवान की सृष्टि में सबसे उत्तम कौन है और सबसे निकृष्ट कौन है। तो पक्षियों ने निश्चय किया कि देखो, भगवान ने हमको कपड़ा पहना दिया, बाल है हमारे शरीर पर, और हमको पंख दिए, हमको काम करने के लिए भी बाध्य नहीं किया है, बिना हाथ के ही हमको भोजन मिल जाता है। हम कितने प्रेम से रहते हैं, न मकान बनाना पड़े हमको, न मोटर खरीदनी पड़े हमको, है
अन्ना फैक्ट्री चलानी पड़े हमको, न इत्र निकालना पड़े, न घर में रसोई बनाना पड़े, आग तो जलानी नहीं पड़ती है, न हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा सीना पड़ता है, न हम पंखा लगाते हैं, न राकेट बना के चंद्रलोक में जाते हैं। जैसे भगवान ने बनाया है वैसे हम रहते हैं, हम कितने अच्छे हैं। तो भाई सबसे बुरा कौन है दुनिया में? ये बनावटी लोग हैं, जो जिनके घर में 2400 घंटे चूल्हे चढ़े ही रहते हैं, चाय पकती रहती है। और कौए ने कहा कि मैं तो इनको देख के ही भाग जाता हूँ, इतने विश्वासघाती हैं बाबा कि पास खिलाने के लिए पास आएंगे और पकड़ लेंगे। तो नारायण सोचो अपनी स्थिति पर। हम लोग सोचते हैं मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, हमारी पुराणों में लिखा हुआ है मनुष्य जोनि सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप स्वाभाविक जीवन से कितने दूर हो गए हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और अपने हृदय की सुंदरता के लिए एक वो देखा मैंने, ऊपर से कपड़े बहुत बढ़िए थे, जरा सा हट गया कपड़ा और नीचे मैल। आपका शरीर बहुत बढ़िया ठीक है, पर आपका दिल कैसा है? यदि आपका दिल अच्छा नहीं है तो शरीर की सुंदरता किस काम की? दूसरों को लुभावेगी, दूसरों का मन बिगाड़ेगी। लेकिन सबसे सुंदर तो वो है जिसके मन में सद्भाव है, जिसके चरित्र में पवित्रता है, जिसकी इंद्रियों में संयम है, जो विचार पूर्वक काम करता है और जिसमें अभिमान नहीं है, वो सबसे सुंदर होता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ये बनावटी श्रृंगार अपने को भी धोखा देने के लिए है कि मैं सुंदर हूँ, और दूसरों को भी धोखा देने के लिए। इसलिए श्रृंगार की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। नारायण अब सिर के जूड़े में बल्ब लगा के जीरो पावर के, और रात को जब चलते हैं सड़क पर तो एक बार जलता है एक बार बुझता है, ये कौन सा श्रृंगार है? तो ये सब श्रृंगार नहीं है, ये सब विकार की प्रदर्शनी है, और विचारवान को इससे सावधान रहना चाहिए। ओम शांति शांति। एक भाई पूछते हैं कि तस्मिन् दृष्टे परावर्ते, श्रुति में दृष्टि पद का क्या अर्थ है? कृपया सर्वजन की किस शब्द का क्या अर्थ है ये जानने के लिए, वक्ता क्या कहना चाहता है, एक तो वक्ता की आकांक्षा जाननी चाहिए, दूसरे प्रसंग क्या है वो जानने के लिए, और तीसरे जिस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है उसमें किस अर्थ के बोधन की शक्ति है। आकांक्षा योग्यता आसक्तिश्च वाक्या पदार्थ ज्ञाने हेतु, यहाँ जो फल बताया जा रहा है उस पर एक बार ध्यान दें। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि गांठ भिन्न हो जाती है, अनिखुल हो जाती, खुल जाती है, दो चीजों को एक में मिलाने से गांठ पड़ती है। जैसे ब्याह होता है ना तो पति पत्नी की गांठ जोड़ देते हैं, वो ग्रंथि है। संध्या वंदन करना होता है तो चोटी में ग्रंथि लगाते हैं, जब जो पवित्र पहनते हैं तो उसमें तीन गांठ पांच गांठ ऐसी अपने गोत्र प्रवर कर। तो प्रेम की बात तो दूसरी है,
प्रेत की बात तो ऐसी है कि दीर्घवृद्धक टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई है रीति। प्रेम की रीति नई है, नियम यह है कि जो उलझता है उसमें गांठ पड़ती है और यहाँ आंखें उलझती हैं प्रेम में और कुटुम्ब कुटुम्ब टूट जाता है। जुरत चतुर चित प्रीति, दो रसिकों के हृदय में प्रीति जुड़ती है पर जहाँ जुड़ता है वहीं गांठ पड़नी चाहिए, पर नहीं परत गांठ दुर्जन है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। नई नई है रीति, प्रेम की रीति नई है। तो ज्ञान की रीति जो है वो निराली है। पहले ये देखो कि हृदय में गांठ पड़ेगी तो कैसी। हृदय है ज्ञानात्मक भावात्मक और जिन विषयों का वो चिंतन करता है वे हैं जड़ अचेतन। तो जब भाव बंधन बन जाता है चित्त में, भाव बंधन ये मेरा है इसका मैं हूँ, तो ये हृदय में एक गांठ पड़ जाती है। असल में दुनिया में किसी का कोई नहीं है, तुम धरती को मेरी मेरी करते करते मरते हो, वो हंसती है इसके बाप किसी दादा किसी वो मेरी मेरी करके मर गए, ये भी मेरी मेरी करके मर जाए, मैं इसके दुश्मन के हाथ में चले जाऊंगी। ऐसा है तो धरती मेरी है, ये एक ग्रंथी है और मैं अपने मित्र का हूँ कहीं भी एक ग्रंथी है। ऐसे मित्र तो जीवन में न जाने कितने आते हैं और जाते हैं, उनकी याद भी नहीं आती है और जवानी में याद रहे तो रहे, बुढ़ापे में तो बिल्कुल छूट जाते। तो हृदय की गांठ क्या है? अज्ञान मूलक भावात्मक बंधन। छिद्यन्ते सर्व संशया कार्य संशय। एक आदमी नदी में बहा जा रहा था, तैरना तो आता था बेचारे को, तैर सकता, लेकिन हमारा घर दाहिने किनारे है कि बाएं किनारे है ये उसको निश्चय नहीं होता था। तो 10 साथ दाहिने किनारे की ओर चला, 10 साथ बाएं किनारे की ओर चला, न इस पार न उस पार। अब वो संशयालु है, उसको चित्त में संशय हो गया है मेरा घर किधर है। तो ये तस्मिन दृष्टे परावरे में जो दृष्टे है वो दर्शन होना चाहिए जिससे अज्ञान मूलक भावात्मक हृदय ग्रंथि टूट जाए और जिससे अज्ञान मूलक जो सुविधा है अपने जीवन में ये करें कि ये करें ये मिट जाए। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, नरक में ले जाने वाले, स्वर्ग में ले जाने वाले, पुनर्जन्म में ले जाने वाले, इसी जन्म में दुख देने वाले कर्मों का क्षय हो जाए, ये है फल। अब इस फल को देख करके उस दर्शन के स्वरूप की कल्पना करनी पड़ेगी कि वो दर्शन क्या है। फल हो मुक्ति और दर्शन हो खटपट आदि का, तो ये शक्य नहीं है। दर्शन हो शत्रु मित्र का और मिले मुक्ति, और दर्शन हो राग द्वेष का और मिले मुक्ति, और दर्शन हो सुख दुख का और मिले मुक्ति, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के योग्य जो दर्शन है वो दर्शन यहाँ कहा गया है। दृष्टे, दृष्टे माने दर्शन हो जाने पर, इक्ता प्रत्यय जो है इसका अर्थ दर्शन हो जाने पर, माने दर्शन समकाल। तो दर्शन किसका हो, अब ये बात साफ कर दी गई तस्मिन दृष्टे परावरे।
भागवत में ये श्लोक कुछ अर्थ कुछ शब्दों के भेद से दो बार आया है। विद्यते हृदय ग्रंथि से लेकर क्षीयंते सर्व कर्माणि तक को एक है और तस्मिन दृष्टे भी है। पर दृष्ट एवाखिलात्मनि दृष्ट एवात्मनीश्वरे और श्रुति में है दृष्टे तस्मिन परावरे। तो परावर शब्द का और आत्मा शब्द का और अखिलात्मा शब्द का एक अर्थ होना चाहिए। दृष्ट एवाखिलात्मनि जो सर्वात्मा प्रभु है वासुदेव सर्वमिति जिसमें बाध सामान अधिकरण से इस प्रपंच का एकत्व है उस अखिलात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर ऐसा होता है। माने जगत जिससे भिन्न नहीं है और दृष्ट एवात्मनीश्वरे आत्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने पर ऐसा होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा शब्द का अर्थ भी वही है। श्रुति कहती है परावर। तो यहाँ परावर शब्द का अर्थ परमपि अवरम जस्मा तत्परावरम तस्मिन परावरे जो सबसे परे है जगत का कारण जो बीज है जगत का सालक ग्राम रूप शिवलिंग रूप अथवा मायोपाधिक चैतन्य रूप अविद्यावृत चैतन्य उसका जब आत्म रूप से साक्षात्कार होगा अर्थात का बाध हो जाएगा उपाधि का निरसन हो जाएगा तो उस सोपाधिक तत्व का जब निरुपाधिक आत्मा के द्वारा उपाधि का बाध करके साक्षात्कार होता है तब हृदय ग्रंथि का भेदन संशय ग्रंथि का छेदन और कर्म ग्रंथि का क्षय ये तीनों संपन्न होते हैं। ये उपनिषद का वचन है। इसका अर्थ है कि आप अपने आत्मा का परमात्मा का जो संपूर्ण जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है उस ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए तो आपके मन में भेदभाव नहीं रहेगा तो राग द्वेष नहीं रहेगा फिर सुख दुख का झगड़ा नहीं रहेगा आपके मन में संशय नहीं रहेगा तो ये सत्य की वो सत्य ये दुविधा ये शंका नहीं रहेगी और ये जिस कर्म के फल भोग के लिए हम शरीरधारी हुए हैं और आगे होंगे ये जो कल्पना है ये सारी की सारी मिट जाएगी। अर्थात आप कल्पनाओं के जाल से मुक्त हो करके अपना जो परमार्थ स्वरूप है उसमें है तो पहले से ही स्थित पर न स्थित होने का जो भ्रम है वो मिट जाएगा। तो एक भाई पूछते हैं कि सत्यमेव जयते न मृतम सत्यवादी ही विजय को प्राप्त करता है मिथ्यावादी नहीं यह बस समझाने की कृपा है। यहाँ वादी की कोई चर्चा नहीं है। पहली बात तो ये है न सत्यवादी न मिथ्यावादी वादी प्रतिवादी तो वादी के वकील जब यदि बड़ा हो तो चाहे जैसा सिद्ध कर दे और प्रतिवादी का वकील चाहे जैसा बड़ा हो तो वैसा सिद्ध कर दे। और हमारा तो कहना है कि संसार में तो सब अनिर्वचनीय है एक दृष्टि से सब सच एक दृष्टि से सब झूठ। तो जो ज्यादा बुद्धिमान होगा वो जिसको लोग झूठ समझते हैं उसको भी सच कह देगा और जो ज्यादा बुद्धिमान होगा
वो जिसको लोग झूठ कहते हैं उसको सच सच को झूठ कर देगा। तो सारा का सारा बुद्धि का खेल है। वकील जब हारता है तो हम वकील का दोष मानते हैं, जज का नहीं, न्याय का। उसने अपने पक्ष को पूर्ण रूप से जैसा रखना चाहिए वैसा नहीं रखना। तो सत्यमेव जयते जो है, इसका अर्थ है एक सत्य है। आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई और चली गई, और बुरी 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 चीजें आई वो भी चली गई, लेकिन आप ज्यों के त्यों रहे। आपने एक घड़ा देखा, हजार घड़ा देखा, घड़ों का न होना देखा, पर आप ज्यों के त्यों, यहाँ भी वहां भी यह भी वह भी सब आपने देखा। आप सत्य हैं, त्रिकाला बाधित हैं, और अनृत जो है वो कल था आज नहीं है। अनृत माने झूठ, मिथ्या, आज है कल नहीं रहेगा, कल अगर आ भी जाएगा तो परसों नहीं रहेगा। तो हमेशा सत्य बना रहेगा और मिथ्या जो है वो मिट जाएगा। सपने मिट मिट जाते हैं, जीवन नहीं मिटता है। एक बार वृंदावन में कवि सम्मेलन हुआ था, बड़े बड़े कवि आए थे, कविता पाठ के लिए। भारतवर्ष के बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो कवि हैं वे भी वृंदावन में आते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तो मुझको बना दिया अध्यक्ष। मैंने कहा देखो भाई, कविता तो कवियों की बेटी है, मैं और श्रोता है उनके जमाई। और तुम लोगों ने जो इस बुद्धे को अध्यक्ष बना दिया तो तुम्हारी कविता रोने लगेगी कि हाय हाय राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। तो वहाँ जीवन, एक कवि आए थे अलीगढ़ के, उनका नाम था जीवन। उन्होंने गाया था सपने मिट मिट जाते हैं, जीवन नहीं मिटता है। उनका नाम जीवन ही था, अब शायद फिल्म में चलेगा। तो सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, अबाधित सत्य। बदलने वाली चीज का नाम सत्य नहीं है। जिसको आप तलाक दे सकते हैं वो आपका पति नहीं है, और जिसको तलाक दे सकते हैं वो पत्नी नहीं। सत्य तो वो है जैन रूपेण निश्चिता, जैन रूपेण जन निश्चितम तरती, जो उसका स्वरूप निश्चय हो गया उससे पृथक वो कभी होता नहीं है। तो ये दुनिया जो है ये अध्यस्त है, ये मिथ्या है, ये बदलती है। जन्म जन्म में बेटे बदलते हैं और पत्नी बदलती है, पति बदलते हैं, इसी जन्म में बदल जाते हैं। मकान बदलता है, जमीन बदलती है, हीरे मोती बदलते हैं, सिर के बाल काले से सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। इनका नाम सत्य नहीं है। अच्छा जी, आप कहते हैं कि मेरा धन था, सत्य धन था मेरा, लेकिन मैं मुकदमे में हार गया। तो सत्य को तो जीतना चाहिए था ना, यहाँ तो झूठ जीत गया। यही ना सत्य में वो जयते नानृतम, व्यवहार में देखने में नहीं आता है। सत्य की जीत देखने में नहीं आती है, झूठ की जीत देखने में आती है, यही ना। पर आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आपने अपनी माना था, क्या वो सत्य था? आपका अपनी मानना क्या सत्य था? आपके पिता पितामह का उस चीज को अपनी मानना क्या सत्य था? यदि सत्य होता तो यदि हीरा को चोर उठाता तो पुकारता, मेरे मालिक सो मत, जाग जाओ। मकान कहता, मेरे मालिक मुझे बेचो मत। जमीन कहती, मैं छोड़ के तुम्हें दूसरे के पास नहीं जाऊं।
तो आप संसार के व्यवहार में जिसको सत्य मान करके बैठे हुए हैं, वो न्याय की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से, यथार्थ की दृष्टि से आपकी न कभी थी, न है, न होगी। वो तो एक मिथ्या ज्ञान है कि ये चीज मेरी है, इसलिए नान्द्रता इस मिथ्या ज्ञान की जीत कभी नहीं होगी, चाहे हीरा न रहे, चाहे आप न रहे। वो तो एक अनृत है, एक असत्य है, एक मिथ्या है कि ये चीज मेरी है और ये मैं हूँ। ये देह भी आपका नहीं है और आपके रखे नहीं रहेगा। तो जीतेगा कौन? सत्य में वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, जो परमात्मा है, जो साक्षात ब्रह्म है, वही ये माया के खेल पर, ये प्रकृति की रचना पर, उसी की जीत होगी। उपनिषद सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म बोलती है। सत्यम माने तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत है, औरत मर्द, इसको सत्य नहीं बोलती है श्रुति। ये दुनिया के व्यवहार को अनुवाद करने वाली, दोहराने वाली नहीं है। जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है किसी भी प्रमाण से, उसको समझाने वाली है। ये अज्ञात ज्ञापक है, ये अविद्या निवर्तक है, ये आँख कान नाक मुंह और मन बुद्धि से जो सोची हुई चीजें हैं, उनका निरूपण करने वाली चीज नहीं है। इसलिए श्रुति का अर्थ जो है वो सत्यम माने ब्रह्म, जैसे माने वही रहेगा, माया छाया कोई उसको मिटा नहीं सकेगी। और ये अनृत जो प्रपंच में तुम्हारा मैं मेरा है, ये कभी नहीं रहेगा। बोला ये एक न एक दिन तुम छोड़ के तुम्हारा शरीर जाए, और चाहे ये जाए, एक न एक दिन ये छूटेगा जरूर। और इससे प्रेम करोगे तो प्रियम त्वाम रोचयति, तुम्हें बांध करके इस जड़ जगत में रखेगा या तुमको बारंबार रुलावेगा। जो इस संसार से प्रेम करेगा उसको रोना ही पड़ेगा। ओ सत्यमेव जयते। तो इसी संदर्भ में एक बहन बहुत ही शंकाकुल हो चुकी है और पूछ रही है कि आप श्री के मुद्दे पर सुना था कि सत्संगियों को आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो उस उक्ति के सविस्तार समझाने की कृपा करें। प्रश्न तो अच्छा है। सत्संगी जब आपस में प्रेम करते हैं तो संसारी भावना तो उनकी रहती ही है, तो एक दूसरे से जो लाभ उठा सकते हैं उसमें लग जाते हैं। डॉक्टर से पहचान हो जाए तो बिना फीस दी उससे चिकित्सा करवाना चाहते हैं, और पेशेंट से परिचय हो जाए तो डॉक्टर कहता है ये हमारी दुकान में आवे। ऐसे पंडित लोग होते हैं, ऐसे व्यापारी लोग होते हैं कि हमसे परिचय हो जाए तो हमारी दुकान पर आवे। तो एक दूसरे से सुंदर सुंदर से पहचान हो जाती है, एक में एक विशेषता हो, दूसरे में दूसरी विशेषता, तो दोनों में परस्पर आसक्ति हो जाती है, ईश्वर का ख्याल छूट जाता है। धनी से परिचय हो जाए तो उससे कर्ज लेने लगते हैं, मिनिस्टर से परिचय हो जाए तो उससे सिफारिश करने या करवाने लगते हैं। तो संसार का स्वार्थ जो है वो आपस में जरूर आता है। और फिर हम दोनों आगे, महात्मा गांधी ने जो एकादश महाव्रत का निश्चय किया है जिसमें 7 तो गीता प्रेस वालों ने छापा था, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, उसमें ब्रह्मचर्य नाम के एक व्रत का उल्लेख किया है कि जो संसार की सेवा करना चाहता है या सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है उसको ब्रह्मचर्य क्यों रखना चाहिए। बोले जब दो आदमी एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे की ओर देखेगा, तो जितनी दूर तक वो एक दूसरे को देखेंगे ये हमारे साथ आ रहा है कि नहीं, उतनी देर तक सत्य करते
लक्ष्य पर से दृष्टि हट जाएगी और नारायण जब दो आदमियों में प्रेम बढ़ जाएगा तो वो तीसरे की निंदा भी करने लगेंगे और जब तीसरे की निंदा करने लगेंगे तब नारायण उनके मन में रागत द्वेष आ जाएगा और दो की आसक्ति का तो अर्थ ही हुआ राग और दो से बाहर द्वेष हो जाएगा। इसलिए सत्संगी को या तो केवल भगवान से प्रेम करना चाहिए या जब तक भक्ति या ज्ञान का उपदेश करता है तब तक ज्ञानी पुरुष का भक्त का सत्संग करना चाहिए और जब तक सेवा करने की रुचि हो तभी तक गुरु का भी संग करना चाहिए। नहीं तो परमार्थ के ज्ञान में यदि गुरु की सेवा भी अपने अद्वैत अखंड की अनुभूति में यदि गुरु की सेवा भी बाधक होती हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। न गुरु न शिष्या, शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया न शास्त्रा न शास्ता न शास्त्रा न शिष्यो न शिक्षा। नारायण जब परमार्थ में स्थिति हो जाए तो गुरु शिष्य का भी शारीरिक संबंध सेवक का संबंध नहीं रहना चाहिए, मस्त रहे मगन रहे अपने आप में। इसलिए परमात्मा की स्थिति जो है वो बहुत विलक्षण है। निकले थे हरिभजन को होटल लगे कपास, माँ छोड़ी बाप छोड़ा भाई छोड़ा बहन छोड़ी पत्नी छोड़ी बेटी छोड़ा बेटा छोड़ा धन छोड़ा मकान छोड़ा, चारों ओर से आसक्ति छुड़ाई और चले सत्संग में और वहाँ आकर के महाराज बीच ही माया मिली। तो ये जो द्वैत की माया है ये द्वैत का परित्याग किए बिना नहीं छूट सकते। आप सत्संग की चर्चा आपस में कर लीजिए लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह सकता ऐसा मत सोचिए। एक बात है, शुरू शुरू की मैं सन्यासी हुआ था उसके संभवतः एक दो वर्ष के भीतर की ही बात है। एक महात्मा थे निर्मल दास, उनका नाम था, उड़ीसा के थे। रात के समय हम दोनों एक साथ उड़िया बाबा के आश्रम में छत पर सोए और सत्संग की चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा पंचदशी पढ़ने का बहुत मन है। मैंने कहा तुम मेरे साथ रहो, मैं पंचदशी पढ़ा दूंगा। अब महाराज ये बात तो हुई हम लोगों की 11-12 बजे रात को और सुबह जब 4 बजे श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वेदांत के रहस्य सत्संग में हम लोग गए जिसमें कोई भक्त धर्मात्मा नहीं बैठते थे। तो बाबा ने कहा संतनों साधु साथ रहेगा तुम्हारे तो ठीक नहीं है। अच्छा, तो हमको मन में आया कि शायद बाबा ने जान लिया कि अच्छा जान गए अगर मेरे मन की बात तो इस समय हमको कुछ खिला। अब महाराज 4 बजे सुबह बोले ऋषि कहा महाराज तो देखो संतनों को भूख लगी है, हाँ कुछ पेड़ा वेड़ा देना तो इसको खाने के लिए। और महाराज जो तो ये संगीन जोगी विनिपात देते था, जहाँ आसक्ति हुई वहाँ उच्च कोटि के साधक भी नीचे गिर जाते हैं। आरूढ़ जोगो भी निपात देते था संगीन जोगी के मुतालप सिद्धि, योग की जो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गया है वो भी आसक्ति करने पर नीचे गिर जाता है अपने लक्ष्य से। अच्छा भाई चलो इनके लिए एक जन्म और सही है, हजार जन्म अब तक लाखों जन्म भोग चुके हैं कि अपने मित्र के लिए एक जन्म और सही। तो आरूढ़ योग भी नीचे गिर जाता है आसक्ति के कारण। फिर जिनके भीतर अल्प प्रज्ञा है अल्प भक्ति है अल्प निष्ठा है
उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम परस्परा शक्ति करनी थी तो घर में ही क्यों नहीं कर लिया है? पति पत्नी आपस में कर लेते आ सकते, माँ बेटे आपस में कर लेते हैं। अच्छा चलो भाई, और संत और शिष्य कर ले आपस में, परमात्मा से आ सकती हो जाए। जब दुनिया में किसी और से ही आ सकती करनी थी, उसके लिए रोना था और उसके लिए सिसकना था और उसकी इंतजार में घंटों खोने थे, तो कहे को परमात्मा के मार्ग में चले। इसलिए सत्संग वहीं तक जहाँ तक लक्ष्य के चिंतन में मदद मिलती हो। ओम शांति।